फ्रेंड्स वेलकम बैक टू लैलाज वर्ल्ड। तमीज देखो पूछ लिया। ऐसे भोले शक्ल का कुत्ता आपको कहीं नहीं मिलेगा, चाहिए भी नहीं किसी को। हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू शीरोज वर्ल्ड, शीरो लैलाज वर्ल्ड। दोस्तों लैला का वर्ल्ड आ जाएगा तो तुम क्यों चिढ़ रही हो? बोलो, दोनों मेरे ही तो बच्चे हैं। मेरे ही बच्चे दोनों। हाँ तो फिर इनके नाम पे चैनल कर दो। हो गया। नहीं करना तो मेरे नाम पे भी कर सकती हो, मैं बुरा नहीं मानूंगी। हो गया। हो गया। हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू योर चैनल रूपालीस वर्ल्ड में आपका स्वागत है एंड आई एम बैक विद माय न्यू वीडियो। सो आज का वीडियो किस तरह से है, जैसे कि आप लोगों को सबको पता है होली आ रही है तो ये शीरो भोंक रही है, होली आने पे शीरो भोंक रही है। तो फ्रेंड्स आज अभी मैं बनाऊंगी होली की सबसे ज्यादा बढ़िया चीज, एक तो भुजिया होती है वो बाद में बनाऊंगी, उसका भी ब्लॉग बनाऊंगी, और जो सबको बहुत पसंद है इस मौसम में वो है कांजी, काली गाजर की। सो बने रहिए जो हमारे पेट के लिए बहुत, क्योंकि होली के त्योहार पे हम जितना भी होता है तला वला सब कुछ खाते पीते हैं, तो उसको डाइजेस्ट करने के लिए एक ऐसा ड्रिंक है, मेरा ख्याल से आप सभी लोग अपने घरों में बनाते होंगे। सो मैं भी बना रही हूँ और आपसे उसकी रेसिपी शेयर करती हूँ। सो बने काली गाजर के लिए मैंने कांजी के लिए काली गाजर ली है, ये चार गाजर है, ठीक है। अभी मैं पहले इनको छीलती हूँ फिर आपसे मिलती हूँ। गाजर छिल चुकी है, अब कपड़ों पे भी निशान आ गए हैं। कहाँ आ गए? वो पानी के हैं, गाजर के नहीं है। चल अब आप अपने अकॉर्डिंग इसको छोटे छोटे पीसेस कर सकते हैं। मैं एक सेकेंड, मैंने चार ली थी गाजर 250 ग्राम, 30 रुपए की पड़ी थी। आप अपने अकॉर्डिंग, जितने लोग हैं आपके घर में जो पीते हैं शौक से, मेरे घर में 3 लोग हैं, ज्यादा नहीं पीते, थोड़े बहुत ही पीते हैं, तो मैं 250 ग्राम में बना रही हूँ। आप अपने हिसाब से किलो भी ले सकते हैं, किलो से कम भी ले सकते हैं, ज़्यादा भी ले सकते हैं। 30 रुपए की ये 250 ग्राम मुझे पड़ी थी। सो देखते हैं कैसे बनाना है, आ जाइए। देखिए फ्रेंड्स हाथों को बिल्कुल भी ध्यान मत दीजिएगा, कोई काम करते टाइम ये हाथ तो ऐसे ऐसे हो ही जाते हैं और ये धुल जाएंगे, साफ़ हो जाएंगे। कुछ लोग ये सब ना चीज़ें ग्लव्स वगैरह बना के पहन के करते हैं, अरे यार ग्लव्स ग्लव्स में ताम झाम होता है, इंसान अपने हिसाब से तो टेस्ट कैसे आएगा, टेस्ट तो आना जरूरी है ना दोस्तों, अपने हिसाब से। आपने पतले काट, मैं ऐसे काटती हूँ, और आप चाहे तो इसको पतले भी कर सकते हैं, छोटे भी कर सकते हैं, मोटे भी रख सकते हैं, आपकी विश है। ये काट के मैं आपको मिलती हूँ। अच्छा आप कह रहे इतनी तैयार होकर वीडियो को बना रही है रेसिपी, देखो तैयार होकर इसलिए बना रही हूँ क्योंकि अभी मैं आपको पहले तो इसका आपकी आपको इसकी रेसिपी दे रही हूँ, उसके बाद हमें जाना है कहाँ। अभी दो जगह है, दो जगह हमने वो करी थी कि या तो अमृत उद्यान जाएंगे या फिर जो बुक फेयर लगा है वहाँ पे जाएंगे, पर अभी कुछ कंफर्म नहीं है कि कहाँ जाना है। तो अगर अमृत उद्यान जाना है तो मैं अभी पहले उसकी रजिस्ट्रेशन करूँ। हाँ क्योंकि देखो जो अमृत उद्यान है ना वो पहले मुगल गार्डन के नाम से आप लोग जानते होंगे, मुगल गार्डन था, लेकिन अब उसका नाम चेंज कर दिया गया अमृत उद्यान। तो मतलब इस समय इतने ज्यादा फ्लावर्स और सब कुछ होते हैं ना, उन्हें देखने का मजा ही यही है। और वो भी मार्च में कब तक खुला है पता नहीं, मार्च में कब तक खुला हुआ है। और बाकी जो बुक फेयर है प्रगति मैदान में जो लगी है वो खुली है क्या, 5 तारीख तक है वो, 5 मार्च तक। तो मैं वही सोच रही हूँ कि देखते हैं दोनों में से कहाँ कहाँ जाना है। देखो तो दोस्तों मेरे हाथ में पहले कलर लग गया। हाँ दोस्तों देखो वो भी था गंदा वाला, मजा गंदा रंग है ये बहुत ज्यादा। तुम लड़कियों को मेरी दबा दो दोनों को, है ना तुम्हारा ना ये, तुम दोनों को पीछे बैठने के लिए कौन बोलता है वो भी मेरे। हेलो माय डॉल, आज छोनो गुच्चू पुच्चू टिट्टू टिट्टू पुन्नो, शिरो क्या हो रहा है, मोड़ दूंगी तेरे में अगर तुमने लड़की को परेशान किया तो तू भी पिट जाएगी। मम्मी देखो क्या बदतमीजी चल रही है यार ये। सो फ्रेंड्स इसके लिए मैंने एक तो ये गाजर काट ली है,
अरे हाँ काट तो ली है, एक मोटी काटनी है, पतली काटनी है, छोटी काटनी है, या कैसी भी काटनी है, पूछने वाला कोई नहीं है कि आपने ऐसे क्यों काटी, पतली काटती छोटी काटती, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, इंजॉय लेके खाइए चीजों को। अच्छा हमको सिखा दिया है, अच्छा इतने उसमें मत पड़िए कि मोटी, अरे इन्होंने तो मोटी काट दी, अरे ये तो पतली काटनी चाहिए थी, ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। ये आ गई गाजर, ये देख लीजिए कट के, दिख रही है आप लोगों को। अब ये मैंने पानी उबाल लिया खूब अच्छे से, कोई भी पानी ले सकते हैं, कोई भी मतलब ऐसा नहीं उठा के कहीं से भी ले लें, फिल्टर वाटर लें, इसे उबाल लें अच्छे से, और उसके बाद इन गाजरों को इसमें डाल दें। ठीक है, अभी बची पड़ी है, हाथ का प्रयोग कर लो दीदी। मैं हाथ का प्रयोग पूरा कर रही थी, एक्चुअली हाथ मेरे वैसे हो चुके हैं बेटा। मेरे पीछे कौन है? पीछे कोई नहीं है। स्टील नहीं लगाइएगा, स्टील से ही होगा कि थोड़ा सा वैसे, बस इसमें खूब उबल चुका है ये पानी, इसमें से ये ऐसे बस डालना है आपने और कुछ नहीं करना है, बस बाकी मैं आपको बताती हूँ उसके बाद आपने क्या करना है। कुछ नहीं, बस ये गाजरों को निकाल लेना है इसमें से, 2 मिनट के लिए डालना है उबलते हुए पानी में और इसको निकाल लेना है। ऐसे इस प्रोसेस को हम ब्लांच कहते हैं। सो फ्रेंड्स, ये गाजरे जो हैं ये ब्लांच हो गाजरे। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। गाजरे छोड़ रहे हैं आप? गाजर, चल चुप रहे, गाजरे क्या हर्ट होता है, शट अप। अब इसमें ये पीली सरसों है उसका मैंने पाउडर बना दिया था, अब आपने इसमें ये मिलाना है गाजरे में। चल गाजर मैं अपने हिसाब से मिलाती हूँ, पीले सरसों मिलाने हैं, और ये है जो सरसों काली वाली जो होती है, ऐसे कलर की निकलती है, इतना अजीब कलर। ये भी मिला दीजिए आप, बस ये मिल गया आपके हिसाब, 2 चम्मच ये, 2.5 चम्मच ये, ठीक है, और थोड़ा सा थोड़ी सी काली मिर्च पाउडर बस, ठीक है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज जो इसमें जाएगी दोस्तों, ये क्या? काला नमक, ठीक है, और अभी मैं बताऊंगी क्या है। स्टूपिड, और जरा सी फॉलोअर्स को स्टूपिड बोल रही हो, नहीं तुझे कहा है मैंने थप्पड़ मारूंगी, जरा सी लाल मिर्च। मम्मी ये बहुत ज्यादा है, बस जरा सी डाली है बेटा। और दोस्तों पता है ये मिर्च बहुत तेज है, तुम्हें समझ में क्यों नहीं आती है? दोस्तों मुझे समझ में सब कुछ आता है, मिर्च नमक की ऑब्सेस्ड औरत, थप्पड़ मारूंगी खींच के ऊपर। हींग लाई थी दोस्तों कल, मैं ले आई थी हींग, ठीक है, ये वाली यूज करते कैच की हींग, ठीक है, मैं अपनी वाली हींग डालूंगी। ये हींग ऐसी है कि मतलब मैं क्या ही बताऊं आपको, मत बताओ फिर। ये देखिए चुटकी, बस ये डाल दीजिए इसके अंदर, और दोस्तों जिंदगी का मजा ही एक चीज में है। क्या काला नमक डाला तो है, मुंह खोल तेरे मुंह में डाल देती नमक। ये दोस्तों इसमें डाला हमने, That's it. 2 चम्मच डाल के, 2 चम्मच नहीं डाला, 1.5 चम्मच डाला दोस्तों, ठीक है। अब दोस्तों कुछ ज्यादा कुछ नहीं करना है, और ज्यादा कुछ जब नहीं करना तो फिर बता क्यों रही हो। इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए, कांजी में पानी तो यही यूज होएगा। हाँ ये जो पानी है ना दोस्तों, इसको अभी मैंने गर्म किया था ना, तो इतना गर्म नहीं डलेगा, ये थोड़ा सा नॉर्मल हो जाए, ल्यूक वाटर हो जाए, ये ल्यूक वार्म वाटर, हाँ ल्यूक वार्म वाटर हो जाए, जरा सा हल्का सा गुनगुना हो जाए तब हम ये डालेंगे। और ये जितना भी मसाला है ये मैंने सब देखिए इसमें अच्छे से लपट गया है, और बाकी सामान जो है ना दोस्तों बंद करके रख दीजिए, ये जो कांजी है ना हमको इसको मिट्टी के बर्तन में डालनी है, या फिर आपके पास कांच का मर्तबान है तो उसमें डाल लीजिए, प्लास्टिक में और स्टील में नहीं रखी जाती, ठीक है। अब मेरे पास ये मेरा गृह प्रवेश का मटका रखा था, पैसे बच गए दोस्तों, इसी मटके में मैं डालूंगी। इसको धो लीजिए अच्छे से, धोकर
सबसे पहले इसमें डाल दीजिए, आराम आराम से डालिए, कोई जल्दीबाजी नहीं है, किसी का कोई जवाब नहीं देना है आपने कि धीरे धीरे क्यों डाल रहे हो, देर जल्दी जल्दी डालो क्यों, वही जल्दी किस बात की है। ये देखिए दोस्तों, ठीक है, ये हमने इसमें डाल दिया है सारा मसाला। अब थोड़ा सा ये गुनगुना हो जाए तब मैं इसको डालूंगी, तब आपसे मिलती हूँ, तब तक इसको साइड में रख दीजिए दोस्तों। अब बाकी सामान फ्रेंड्स, ये हो गया है पानी हल्का गुनगुना, अब हम इसमें डाल देंगे। जो हमने गाजर नीचे डाली थी उसको अच्छे से घुमा दीजिए, सारा मसाला इसमें लपट जाएगा अच्छे से। बस कोई भी कॉटन का कपड़ा है, मलमल का कपड़ा है, मेरे पास ये रुमाल है परीदेव का। वैसे अभी तो बाहर निकल नहीं रही है धूप, मेरे यहाँ वैसे भी ना सुबह थोड़ी देर के लिए आती है, तो मैं तब तक तो इसको गर्म हिस्सा, किचन से ज्यादा गर्म हिस्सा कुछ भी नहीं है, किचन में ही साइड में रख दूंगी एक तरफ। और ये आप तीन दिन के बाद इसमें फॉर्मिनेट होना शुरू हो जाता है ये, तो उसके बाद ये थोड़ी थोड़ी मतलब 3-4 दिन में बन जाती है, हो जाती है पीने लायक, खट्टी हो जाती है। और जब ये बन जाएगी, जब मैं खोलूंगी तो आपको जरूर दिखाऊंगी, ठीक है। और आपको कांजी की रेसिपी कैसी रही मुझे जरूर बताइएगा। सो फ्रेंड्स, आपको ये कांजी का छोटा सा व्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है। और इसी के साथ आज ये व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ, मिलती हूँ आपसे नए व्लॉग में, तब तक बाय बाय, टेक केयर।